हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको चोटी के तीन अलग अलग स्टाइल करके दिखाने वाली हूँ अपने हेयर पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बालों को टैंगल फ्री कर ले, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। तो नेक्स्ट मैं अपने सारे हेयर को ऐसे आगे ले लूंगी, क्योंकि आप सबको मुझे दिखाना है तो मैं आगे ही चोटी करके आप सबको दिखाऊंगी। तो इस चोटी को बनाने के लिए, जो मेरा पहला हेयर स्टाइल है, इसे बनाने के लिए हमें अपने ऐसे हेयर को लेना है और इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, कुछ इस तरह। तो मैं ऊपर से भी थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना ले रही हूँ, जिससे कि इसे बहुत अच्छा लुक मिले। देन हमें अपने सारे बालों को लेना है और ऐसे ऐसे राउंड में ऐसे ऐसे गोल गोल बस घुमाते जाना है। सारे बाल नीचे तक के लेके सबको ऐसे राउंड बस घुमाते जाना है हमें। गाइस, मेरे घर के बगल में ही रोड है तो यहाँ पे नॉइज बहुत ज्यादा होती है, तो इसे माइंड मत करना। तो इसे हमने इस साइड में घुमाया है। अब इस बाल को लेके कहीं भी आप ऐसे थोड़े से देर के लिए इसे ऐसे पिन कर दो, ताकि जो तुम्हारे दूसरे साइड का हेयर है हम उसे भी घुमा लें। अब देख रहे हो, मैं इसे अपने कपड़े में लॉक कर रही हूँ। सो अब हम अपने इस हेयर को लेंगे और हम इसे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में राउंड सेव देंगे ऐसे। देन हम अपने इस बाल को निकाल लेंगे। अब हमें इसे ऐसे क्रॉस करते जाना है। अगर आप इसे अपोजिट डायरेक्शन में नहीं क्रॉस करेंगे तो ये आपकी चोटी खुल जाएगी। देन एक रबर बैंड की हेल्प से आप इसे सिक्योर कर लें। तो ये है हमारा फाइनल लुक। गाइस, कमेंट करके बताना कि आपको तीनों स्टाइल में से सबसे अच्छी आपके कौन से स्टाइल लगी है। ठीक है, आप देख सकते हो इसे। तो चलिए अब हम अपने सेकंड हेयर स्टाइल बनाते हैं, सेकंड चोटी। तो इसे बनाने के लिए, इसे भी मैंने अपने सारे बाल को आगे ले लिया है कुछ इस तरह से। देन मैं अब क्या करूंगी कि इसे भी अपने बालों को ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। देन हमें करना ये है कि इधर से अपने बालों का एक सेक्शन लेना है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो। देन इसे हमें ऐसे क्रॉस करना है इधर, फिर इस तरफ से भी अपने बालों का एक एरिया लेना है ऐसे वन सेक्शन। देन इसे हमें इस साइड में क्रॉस कर लेना है। तो हमने अभी इधर से किया था, तो अब हम नेक्स्ट इधर से लेंगे। ऐसे नीचे से आपको एक सेक्शन निकालना है और उसे ऐसे क्रॉस कर देना है। इस साइड के हेयर इस साइड और इस
साइड के या इस साइड? अब देख सकते हो ये चोटी कितनी प्यारी लग रही है, अभी बनाना शुरू किया है मैंने। ये चोटी मुझे पर्सनली सच में बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये चोटी। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। सिलेब इसे हम रबर बैंड से सिक्योर कर लेते हैं। तो चलिए हम अपने थर्ड हेयर स्टाइल बनाते हैं। इसे बनाने के लिए भी हम अपने हेयर को दो सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे, हमें ऐसे बीच से डिवाइड करना है। यू कैन सी फर्स्ट मैं इसे पीछे कर देती हूँ, देन जो ये एरिया है इसमें हमें एक चोटी बनाना है। जैसे हम सिंपल चोटी बनाते हैं हमें वैसे एक चोटी बनाना है। इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हमें इसे उल्टा चोटी करना है, सीधा नहीं करना। ऐसे नीचे से जो चोटी ले जाते हैं ना हमें वैसे बनाना है। चोटी को लूज ही बनाए ताकि इसे हमें मिसी लुक देना है, इसलिए लूज लूज चोटी पहले कर लें, देन हम इसे मिसी लुक देंगे। चलिए अब हम इसे मिसी लुक दे देते हैं। मिसी लुक देने के लिए हमें ऐसे अपने बालों को खींचना है। चलिए इसे मैं भी क्लॉचर के हेल्प से इसे सिक्योर कर लेती हूँ, देन मैं बाद में इसे जब चोटी दोनों कंप्लीट कर लूंगी तो उसे उसी में मिला लूंगी। मैं अपने सेकेंड हेयर लेने और इसे भी हमें सेम प्रोसेस करना है। जैसे हमने उल्टा चोटी किया था और मिसी लुक दिया था वैसे हम इसे भी कर लेंगे। देन इन दोनों को हमें ऐसे साथ में पकड़ना है और कुछ इस तरह से करके ये क्लचर में निकाल दे रही हूँ और इसे यहाँ पे रबर बैंड से हम सिक्योर कर लेंगे। वैसे अगर ये चोटी आप मतलब लहंगे के साथ बनाते हो या फिर बना के ऐसे शादी में जाते हो तो सच में तभी आपके हेयर स्टाइल के बारे में ही पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाया है। तो अगर आपके पास वो क्या बोलते जूड़ा पिन है तो आप यहाँ पे एक पिन से इसे सिक्योर कर लो अंदर से,
और आप चोटी का लुक देख सकते हो ये कैसा लग रहा है। गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना और इसे ट्राई जरूर करना। और हाँ, अगर आपको मेरे हेयर केयर के बारे में जानना है कि मैं अपने हेयर का केयर कैसे करती हूँ और मैंने अपने लंबे बाल कैसे पाए, तो आप मुझे कमेंट करना नीचे, मैं उसके लिए भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।